नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्म न्यूज फॉर नालंदा से है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर को दो नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। वहीं विश्व शांति स्तूप तक जाने के लिए 8 सीटों वाली नई रोपवे का लोकार्पण भी किया। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजगीर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपको बता दें कि आज 11:20 पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नेचर सफारी का उद्घाटन किया। उसके बाद 3:10 पर 8 सीटों वाली नई रोपवे का उद्घाटन किया। नई रोपवे और नेचर सफारी पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके उद्घाटन हो जाने से अब राजगीर में पर्यटकों का गर्मी के मौसम में भी लगातार आना जाना लगा रहेगा। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसके उद्घाटन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए नेचर सफारी और रोपवे में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। करीब 19 लाख की लागत से बने ग्लास ब्रिज नेचर सफारी राजगीर आने वाले सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बड़ा कदम बताया जा रहा है। नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं जू सफारी की ही खासियत है उनको कोई ना कोई व्हीकल पर बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था, उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जब इसका शिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए, जब सब कुछ देखा उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया कि साहब जब ये बन रहा है जू सफारी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह है और आप जानते हैं राजगीर के बारे में कि पंच पहाड़ी का है और इसी के बीच में कभी पहले जो ये हुआ करता था मगध की राजधानी, आज से नहीं हजारों साल पहले, तो उस समय का जो एक कंसेप्ट था और धीरे धीरे बाद में जब आग लगते गई तो सब मकान को शिफ्ट किया, वो एक अलग बात है, बात की बात है। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि जब इतना ये ऐतिहासिक जगह है और इतना ये नेचुरल है, प्राकृतिक जगह है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। और उसमें जब हमने कहा कि जू सफारी के बगल से ही शुरू हो, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जू सफारी के तुरंत बाद तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके आगे जा करके इसको करने का ये स्थल का चयन किया गया स्थल का, और उस स्थल का चयन करने के बाद पिछले 3 वर्षों के अंदर ये सारा काम हुआ, इसका पूरा एक योजना बनाई गई और क्या क्या चीज़ बनेगा इसके बारे में लोगों ने सोचा, हम लोग निरंतर चर्चा करते थे। और अभी आप जानते हैं कि 2-2.5 महीना पहले हम आ करके जो जो चीज़ बना था उसको देखने आए, ये भी पूरे तौर पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ग्लास स्काई वॉक, तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ है। और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है तो फिर बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के आएंगे, बच्चे बच्चियाँ आएंगे, वो देखने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी। तो फिर उनके सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुशी में घूम रहे हैं, बच्चियाँ घूम रही हैं और कहीं से कोई इधर उधर करने के मूड में कोई रहे, तो इसके लिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। तो उसका भी निर्माण उसी समय हमारे मन में ये बात आई और हमने कहा तो अब तो पूरा का पूरा उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम दोनों साइड से, एक तो इसमें इंटर करेंगे इधर से और उस साइड, तो हर प्रकार से दोनों तरफ से इसका भी इसके बारे में भी बना दिया गया है, तो वो
होगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहे और दिन भर ये खुला रहेगा और दिन भर लोग आएंगे और एक एक तरह का प्रबंध किया गया कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेकर के वो घूमेंगे चारों तरफ और फिर लौट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे हैं तो आपकी ये तस्वीर है। तो ये सब काम जो किया जाएगा यहाँ के बारे में, तो एक तो सबसे पहले जो बना आपको सबको मालूम है ग्लास का ही वॉक और फिर उसके बगल में ही है सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज पर भी जा सकते हैं और स्काई वॉक पर तो एक सीमा है कि उसके अंदर तक जा करके उसको देख सकते हैं और जो लास्ट स्काई वॉक बना तो इसका एकदम इस देश में पहला है। उस समय भ्रम हुआ कि दूसरा है, ऐसा नहीं है, ये पहला है। तो एक सब जगह इसको लेकर के चर्चा हुई और लोगों को खुशी हुआ। उसी समय जब आप सब लोगों ने इसको देख करके इसको प्रसारित किया, इसकी खबर छपी, तो कितनी संख्या में लोग अगले दिन से आ करके युवक लोग और सब लोग घूमना चाहते थे। तो उनको समझाया गया कि अभी भाई पूरे तौर पर निर्मित हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा, तब आइएगा, अभी तो बीच में ही। तो अब हो गया है मई महीने में, सब तरह से इंतजाम करके एक एक चीज़ का सुरक्षा का सब इंतजाम कर लिया गया और उसके बगल में सस्पेंशन ब्रिज का भी हो गया है और फिर जिप लाइन आप सब जानते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक और लौट आएंगे, जिसको कि दिख रहे हैं यहीं पर से दिख रहा, यहीं पर से दिख रहा है, एक तरफ से जाएगा दूसरे तरफ से आएगा, वहां से जाएगा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से सबका इंतजाम किया गया है और फिर जो किया गया है जिप लाइन साइकिल जो इस कंसेप्ट के अंतर में भी बनाया गया है नेचर कैंप एरिया, तो इस एरिया में ही उसका भी इंतजाम किया गया। तो हर तरह से किया गया और यहाँ पर देख रहे हैं खेलने के लिए हर तरह से नई पीढ़ी के लोगों के लिए इंतजाम किया गया कि पूरे तौर पर देखेंगे और जो लोग भी विजिटर होंगे उनको खाने की इच्छा होगी उसका भी सारा इंतजाम सब किया गया है। तो आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया और इसको लेकर के लोग चाहेंगे तो पैदल भी घूमेंगे और दूसरा कुल मिला करके पूरा एरिया लगभग 8 किलोमीटर का हो जाता है, तो अगर कोई पैदल चलना चाहेगा तो पैदल भी चल सकेगा, नहीं तो उनके लिए साइकिल का भी प्रबंध किया जाएगा, उस साइकिल पर भी चारों तरफ घूम सकते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से बन गया है, तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रही है कि भी जो नेचर सफारी है और अपने आप में उसी दिन हमारे मन में ये बात आई कि इसका नामकरण नेचर सफारी हो। अब और भी किन्हीं महापुरुष के नाम से नामकरण होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्यतः ये नेचर सफारी है और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लोगों को मालूम होगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति होगी नई पीढ़ी के लोगों को। और देखिए कि जहाँ कहीं भी कुछ खाली जगह सब जगह वृक्षारोपण किया गया और पहले जानते ही जब हम 2009 में आकर के 7 दिन हम यहाँ रुके थे और एक एक चीज़ को, तो कई जगह पर ये सूखा हुआ था, इस तरफ तो खैर था लेकिन एक तरफ सूखा हुआ था पर्वत में, तो सब जगह पेड़ और लगवाया गया। अभी देखिए किस तरह से वृक्षारोपण हुआ, हर एक चीज़ से सारा इंतजाम किया गया, तो हर तरह से यहाँ पर किया गया है, अनेक चीज़ों का निर्माण किया गया है। आप सब लोग सबको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो बन गया, अरे जो पहले जिसमें जो जाते हैं हम लोगों को जाना पड़ता है घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा को भी जो देखा था तो घोड़ा कटोरा कितना उपयोगी जगह है, अब घोड़ा कटोरा का भी विस्तार कर दिया गया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है वहाँ, कैसा सुंदर प्रतिमा लगी है उतनी ऊंचाई पर, उसके बीच में घोड़ा कटोरा का जो तालाब है उसके बीच में बना है और किस तरह से वो भी और वहाँ पर भी पार्क की व्यवस्था की गई, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। तो हर प्रकार से हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा गया है और उसके बारे में जान रहे हैं कि कोई गाड़ी लेकर के नहीं आ सकता, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया गया। तो हर तरह से और जो लोग भी पहले चलाते थे हाँ टांगा, तो उन सब लोगों को भी दिया गया है ताकि सब लोग उधर से इधर आकर के देखेंगे और अब देखिए कि कितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो हर प्रकार का काम जो किया गया है यहाँ पर और बहुत जल्दी अब इसकी उम्मीद है कि जू सफारी का भी सब काम होगा, अब जानवरों को आने का शुरू हो गया है सिलसिला, अब वो सब कर लेंगे और हमारा तो सुझाव यही है कि पहले जितने जानवरों को रखना है सब पहले से आ जाए, यहाँ अभ्यस्त हो जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं कोई नई जगह पर जाएगा तो उसको तो दिक्कत होगी, शेर है बाघ है सब तरह की चीज़ें हैं यहाँ, तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे और शुरुआती तौर पर जो बिल्डिंग बन रहा है
वो बिल्डिंग का भी जब निर्माण कार्य पूरा हो गया, एक एक चीज़ का संरक्षण कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा, तो ये तो चीज़ होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जू सफारी का काम पहले शुरू हुआ और उसी समय ये बात आई कि नेचर सफारी बने और नेचर सफारी बन करके निर्मित हो गया है। आप सब लोग भी पूरे तौर पर देख लीजिए और एक एक चीज़ को ये दिखला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को जानिए और ये सब लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलनी चाहिए कि नाम है नेचर सफारी और है ये नेचुरल और किस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृति लाने के लिए। और अब जानते हैं कि बिहार में हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला करके कितना कॉन्शसनेस ला रहे हैं पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में और कितनी लोगों की भागीदारी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक जगहों पर इस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम किया गया इसके लिए मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि इस काम को शुरू कर लिया। और आज आप देख रहे हैं हमारे सामने माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इस जिले के रहने वाले हैं और मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सब लोग हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, बिहार शरीफ के विधायक हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, अन्य सभी और जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं सब लोगों का यहाँ पर इसके लिए स्वागत करता हूँ और आप सब लोग जो आए हैं वो सबको मैं करता हूँ। और आप जानते हैं ये कह रहे हैं वेणुवन, तो वेणुवन का तो बंद है सर, रिकॉर्ड घूर के जाता है, वेणुवन को बंद है सर, चालू नहीं किया गया। मॉर्निंग वॉक मीटिंग वगैरह पब्लिक के द्वारा सुबह घूमने के लिए कर रहे हैं, कर देंगे टिकट वगैरह तो रेडी हो गया, उसको देख रहे होंगे, रिकॉर्ड घूर के जाता है, सुरक्षा के लिए काम चल रहा है।